नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। मलमास का महीना मुख्य रूप से पूजा पाठ का महीना होता है और यह पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, इसलिए यह सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों से विरक्त होकर प्रभु भजन में मन रमाने का समय होता है। भगवान श्री हरि ने इस महीने को अपना नाम दिया था, इसलिए यह माह उनकी भक्ति को समर्पित माना जाता है। आइए हम आपको बताते हैं ऐसे 8 कार्य जिनको करने से आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलने के साथ परम सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। खीर का भोग लगाएं। चूंकि खरमास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, जो कि श्री हरि के विभिन्न नामों में एक है, इसलिए मास की दोनों एकादशी में भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और इसमें तुलसी के पत्तों का प्रयोग करें, दान करें। पीले रंग का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है, इसलिए इस महीने में पीले रंग का अनाज फल श्री हरि को अर्पित करें, फिर इन्हें दान कर दें। तुलसी पूजा। खरमास में तुलसी के पौधे के सामने रोजाना गाय के घी का दीपक जलाएं और नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें, अभिषेक करें। मलमास में रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और तुलसी की माला से 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। पीपल के पेड़ की पूजा। धार्मिक मान्यताओं में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व है। पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए इस महीने पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। सूर्य को जल दें। खरमास में रोजाना सुबह उठकर सूर्य को जल दें और श्री हरि का ध्यान करें और पीले पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शंख की पूजा। मलमास में रोजाना दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करनी चाहिए। शंख की पूजा करने से श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। उन्नति के लिए। अगर आपको नौकरी और व्यापार में प्रमोशन चाहिए तो खरमास की 9वीं तिथि को कन्याओं को अपने घर पर बुलाकर भोजन कराएं। इस तरह से इन 8 कार्यों से आप पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।